धुरी की अनाज मंडी में किसानों तथा आढ़तियों का हाल जानने के लिए कांग्रेस के पूर्व एमपी विजेंद्र सिंगला पूरी टीम के साथ पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों तथा आढ़तियों से मुलाकात कर किसानों तथा आढ़तियों को अनाज मंडी में आ रही परेशानियों को सुना। कांग्रेसी नेता विजेंद्र सिंगला ने कहा कि मंडियों में किसान परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वेयर हाउस ने कोई पेमेंट जारी नहीं की है, ईपीएफ जो काटा जा रहा है जो कि गलत है, वे पैसा पंजाब सरकार के खाते में जा रहा है। जिन्हिया मंडियाँ भी दौरा किया है, हर जगह के उपर प्रक्योरमेंट नू लैके तीन चार मसले बड़े जिहड़े सामने आए, मैं तुहानू उन्हां बारे जरूर दसना चाहुंदा। जिस तरह उरे FCI दे विच पिछले साल तो एक साल हो गया लोडिंग की पेमेंट FCI ने रिलीज ही नहीं की, उरे वेयर हाउसिंग दे विच कोई पेमेंट नहीं हुई किसान नू हुण तक। इस तरीके EPF की जिहड़ा कटौती पिछलियां दो फसलों तो सरकार ने आड़ती दे उपर लानी शुरू की है, उदा पैसा 48 पैसे पर बोरी जिहड़ा कट्टा जा रहा है वह बिल्कुल नजायज़ कट्टा जा रहा है, और वह कट के पंजाब सरकार के किसी खाते जमा हो रहा, वह किसी नूं दित्ता नहीं जा रहा। जबकि आड़ती नूं पेमेंट लेबरर की शाम नूं करके उन्हें घर तोड़ना पैंदा, तां अगले दिन आके लेबर वाला काम करने वास्ते आंदा। धूरी से अजार TV न्यूज़ के लिए हर्ष कौशल की रिपोर्ट।